गाइस, जब भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात हो या फिर स्टूडेंट फ्रेंडली टॉप क्लास फैसिलिटीज की बात हो तो ऑल ओवर इंडिया सबसे पहला नाम आता है, वो है IIT मद्रास का, जहां आपको नियर अबाउट ऑल टाइप के एजुकेशनल कोर्सेज तो मिलते ही है, साथ ही में कुछ यूनिक एक्टिविटीज़ भी ये IIT कैरी आउट करता है जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस है। जैसे यहाँ एडमिशन के बाद अगर आपको लगता है कि आपको दूसरा ब्रांच लेना है तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, इवन आप अपने कोर्स के साथ दूसरा कोर्स भी मिक्सअप कर सकते हैं, यानी कि मल्टी कोर्स फ्रीडम आपको यहाँ पे मिलता है। साथ ही में गाइज, अगर आप यहाँ पे BTech कर रहे हो और लास्ट में आपने 1 ईयर एक्स्ट्रा भी पढ़ाई की तो यहाँ पे आपको MTech का भी डिग्री मिलता है। और इसमें हम IIT मद्रास के प्लेसमेंट्स की भी बात करें गाइस, तो यहाँ पे 6 figure, 7 figure तो छोड़िए, 8 figure सैलरीज स्टूडेंट्स को मिली हुई है, यानी कि करोड़ों के सैलरी पैकेजेस भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं। इस रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी IIT मद्रास के स्पेशल सेशन आप लोग के लिए बनाया है जिसमें ईच एंड एवरी डिटेल्स हमने डिस्कस की है, तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ऐसे वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए आपको कुछ टफेस्ट एग्जाम देनी पड़ेगी, जैसे JEE एडवांस, GATE या फिर CAT, तभी आपको यहाँ पे हाईली डिमांडिंग कोर्सेज जैसे IT कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज हो या फिर डाटा साइंसेस रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, लेकिन ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स का ये ड्रीम इंस्टीट्यूट होते हुए भी उनका लो नंबर की वजह से यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता, तो ऐसे मेजर इश्यूज को IIT मद्रास भी समझता है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए या फिर यूं कहें कि IIT ड्रीमर्स के लिए ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू किया है जिसे हम बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन इस नाम से जानते हैं। तो चलिए आज इस स्पेशल सेशन में हम इस कोर्स रिलेटेड टोटल डिटेल्स जानेंगे, जैसे इस कोर्स की हम एलिजिबिलिटी देखेंगे, यहाँ किस टाइप के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि टोटल हम कोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज देखेंगे। इसके साथ ही हम इस कोर्स का ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या ये कोर्स ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, क्या आप दूसरी जगह एडमिशन लेने के बावजूद भी यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, क्लासेस कैसे होने वाली है और क्या ये कोर्स करने के बाद आपको IIT मद्रास का कैंपस मिलेगा या नहीं। तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आज आपको पता चलने वाली है। व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हरीश चंद्रा। अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि IIT मद्रास ने ये कोर्स क्यों स्टार्ट किया है। तो फ्यूचर में हम सभी को पता है IT सॉफ्टवेयर या फिर डेटा साइंस जैसे फील्ड की डिमांड बढ़ने ही वाली है और इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम क्वालिटी प्रोफेशनल इस फील्ड में लाने के लिए IIT मद्रास ने ये कोर्स स्टार्ट किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस कोर्स को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का 10th में, 11th में या फिर 12th में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट है, तो ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस कोर्स में एडमिशन के लिए। तो आफ्टर 12th या फिर ड्यूरिंग 12th आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर साइंस रिलेटेड किसी भी कोर्स में आपका ऑलरेडी एडमिशन है, तब भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर साबित होगा जिनको आफ्टर 12th कंप्यूटर साइंस या फिर IT रिलेटेड फील्ड में BTech या फिर BE करना हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। इनफैक्ट अगर आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस या फिर IT रिलेटेड फील्ड में हो तब भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स के लिए किसी भी तरह का एज लिमिट नहीं है। तो चलिए गाइस, अब हम थोड़ा इस कोर्स के हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। तो इस कोर्स में आप जब भी एडमिशन लोगे तब आपको एंट्री करने के बाद फर्स्ट लेवल में जाने से पहले क्वालिफायर असाइनमेंट टेस्ट देना होता है, जिसके लिए आपको 4 वीक में पढ़ाया जाएगा कि आप ये एग्जाम कैसे पास करें, इसमें क्या पूछा जाएगा। एंड आफ्टर 4 वीक आपका फिर एक एग्जाम लिया जाएगा और फिर इस एग्जाम के पासिंग परसेंटाइल अगर आपने अचीव कर लिए तब आप यहाँ का जो फर्स्ट लेवल है जिसे हम फाउंडेशन लेवल कहते हैं उसमें आपको एडमिशन मिल पाएगा। अब जो स्टूडेंट JEE मेंस के बाद JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स फाउंडेशन लेवल में डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं, उनको क्वालिफायर असाइनमेंट एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे यहाँ पे टोटल 4 लेवल्स है और आपको एक लेवल से दूसरे लेवल जाने के लिए कुछ टाइम फ्रेम और मिनिमम एवरेज असाइनमेंट स्कोर लगेगा। तो कैटेगरी वाइज आपको कितने परसेंट मार्क लगने वाले हैं तो वो हमने इस चार्ट में दिए हैं। तो जैसे अगर आप फाउंडेशन लेवल में हो तो फाउंडेशन लेवल से आपको नेक्स्ट लेवल में जाना है
तो आपको मिनिमम 40% मार्क लगेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 30% मार्क लगेंगे। वहीं अगर आप ओबीसी एनसीएल हो तो आपको मिनिमम 35% मार्क होने चाहिए, तभी आप एक लेवल से दूसरे लेवल में जा पाओगे। तो चलिए अब हम फटाफट हर लेवल को अच्छे से समझ लेते हैं। तो फाउंडेशन लेवल भी यहाँ पे 1 ईयर का कोर्स रहने वाला है। 8 कोर्सेस इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे, IIT के एक्सपर्ट द्वारा आपके सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए जाएंगे यहाँ पे। और इस कोर्स को पास आउट करने के बाद आप नेक्स्ट कोर्स यानी कि नेक्स्ट लेवल डिप्लोमा लेवल में एडमिशन ले पाओगे। अब जिनको लगता है कि मुझे फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट ही चाहिए, तो वो यहाँ पे फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट लेके एग्जिट भी हो सकते हैं, या फिर वो डिप्लोमा लेवल के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। और डिप्लोमा में एडमिशन के बाद ये कोर्स भी आपका 1 to 3 years का रहता है, तो आपके कैपेबिलिटी अनुसार आप इस कोर्स को 1 to 3 साल के दौरान पास आउट कर सकते हैं। एंड डिप्लोमा के पास आउट के बाद आपको यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या तो आप सर्टिफिकेट लेके एग्जिट हो सकते हैं इस पूरी प्रोसेस से, या फिर आप नेक्स्ट लेवल यानी कि बीएससी डिग्री के लिए यहाँ पे एडमिशन लेंगे। अब बीएससी का जो डिग्री है गाइज, आपका सेम यहाँ पे सभी ऑनलाइन क्लासेस आपकी होंगी, कुछ ऑफलाइन मदद भी आपको यहाँ पे IIT मद्रास करने वाला है। अब बीएससी का डिग्री भी आपका फिर से 1 to 3 year के बीच में होने वाला है। आप अपने कैपेबिलिटी अनुसार ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएससी डिग्री आप यहां से बीएससी डिग्री लेके एग्जिट हो सकते हैं, या फिर आप अपना एजुकेशन कैरी फॉरवर्ड करके बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के लिए भी जा सकते हैं। तो बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन ये आपका लास्ट लेवल है, तो ये आप लेवल 1 to 3 साल के बीच कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग फिर से आपको पूरी हेल्प IIT मद्रास से मिलती है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस फाइनल लेवल आपको बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री मिलेगा IIT मद्रास से। तो इस कोर्स को गाइस अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको IIT मद्रास से पूरी हेल्प मिलेगी, साथ ही में आपका डेडिकेशन भी होना चाहिए। पर डे आपको मिनिमम 2 hours इस कोर्स को देने पड़ेंगे। आपके फिर वीकली असाइनमेंट्स भी लिए जाएंगे जो ऑनलाइन रहेंगे। कई बार आपके मंथली इन पर्सन क्विजेस भी आपको पूछे जाएंगे। एंड आपके एंड टर्म एग्जाम्स भी रहेंगे जो सालाना 3 बार होंगे, और इसके लिए आपको नियर बाय सिटी सेंटर्स भी मिलेंगे। तो IIT मद्रास का ऑल ओवर इंडिया काफ़ी तगड़ा नेटवर्क है, तो इंडिया के कई सारे सिटीज़ में आपको इनके सेंटर्स ईजीली मिल जाएंगे। तो इसमें गाइज अगर आपको और डीपली जानना हो तो सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अप्लाई करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर एक बार चेक कीजिए। तो चलिए गाइज अब इस कोर्स के हाइलाइट्स के बाद हम यहाँ का एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फीस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एप्लीकेशन काफी सिंपल है, हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, बस आपको लिंक पे टिक करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल आउट करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए आपका मेल आईडी कंपलसरी रहेगा, और अगर आपने कहीं पे इंजीनियरिंग के लिए या फिर साइंस रिलेटेड कोर्सेज के लिए एडमिशन लिया है तो वहाँ का एडमिशन लेटर या फिर बोनाफाइड भी आपको यहाँ पे लग सकता है। एप्लीकेशन प्रोसेस के वक्त आपको एक एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा जो कैटेगरी वाइज अलग अलग है, तो इसके लिए भी हमने इस चार्ट में आपको दिया है कि आपके कैटेगरी अनुसार यहाँ पे कितना फी आपको लगेगा। और साथ ही में अगर हम यहाँ पे मेन फी या फिर कोर्स फी की बात करते हैं गाइस, तो फिर से आपके कैटेगरी अनुसार यहाँ पे फीस भी अलग अलग है। तो जैसे अगर हम प्लेन फी की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स की यहाँ पे 32,000 rupees का फी रहेगा, और फिर अगर आप डिप्लोमास के लिए एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे 94,000 से लेके 150,000 तक का आपका डिप्लोमा का फी रहने वाला है। फिर अगर हम बीएससी डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे बीएससी डिग्री के लिए 2,27,000 तक का आपको फी लगने वाला है। एंड अगर आप फाइनल बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेना चाहते हैं डेटा साइंस की, तो यहाँ पे टोटल आपका फी जो रहेगा 3,51,000 के आसपास रहेगा। तो ये हो गए आपके बेसिक फीस, लेकिन इसमें भी आपको कई सारे स्कॉलरशिप्स एंड स्कीम्स मिलते हैं, जैसे फी वेवर स्कीम हो गया। तो फी वेवर स्कीम में यहाँ पे अगर आपके ईयरली पेरेंटल इनकम 1 lakh के अंडर है तो आप सभी टाइप के कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को 75% फी में रियायत मिलेगी, यानी कि 75% आपका फी वेव ऑफ हो जाएगा। इसी तरह अगर आपकी ईयरली पेरेंटल इनकम 1 lakh to 5 lakh के बीच में है तब आपको नियरली 50% का फी वेवर यहाँ पे मिलता है। एंड सेम अगर आपकी ईयरली पेरेंटल इनकम 5 lakh एंड अबाउ है तो जनरल एंड ओबीसी टाइप के कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे फुल फी पे करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया है। लेकिन इसमें अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी सेक्शन से बिलोंग करते हो
तब आपको यहाँ पे 50% फ्री और मिलेगा। एंड एससी एसटी में अगर आप पे पीडब्ल्यूडी हो तो यहाँ पे 75% का यहाँ पे आपको फी वेवर स्कीम मिलेगा। तो इस चार्ट को आप थोड़ा सा अच्छे से पॉज करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइज, अब हम इस इम्पॉर्टेंट सेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, यानी कि क्या आपको ये कोर्स कम्प्लीशन के बाद फ्यूचर में एक अच्छी जॉब मिलेगी, क्या आपको IIT मद्रास प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करेगा या नहीं। तो डेफिनेटली 100% आपने ये कोर्स अच्छे से अगर कंप्लीट कर लिया तो IIT मद्रास आपको इस रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा। आपको स्पेशली प्लेसमेंट का मेंटरशिप्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए स्पेशली IIT मद्रास ने ऑलरेडी एक प्लेसमेंट सेल भी बनाया है, जहाँ आपको कंप्लीशन के बाद इनवाइट किया जाता है, कॉन्वोकेशंस के लिए इनवाइट किया जाता है, फिर आपको ट्रेन किया जाता है। जैसे इस साल का फर्स्ट बैच है, बैचलर ऑफ साइंस के स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं उनका फर्स्ट बैच है, तो उन सभी के लिए IIT मद्रास ने ऑलरेडी एक कॉन्क्लेव रखा है और उनके लिए स्पेशली प्लेसमेंट सेल भी डिज़ाइन किया है। वहाँ वो स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनफैक्ट ट्रेनिंग ही नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज में इंटर्नशिप्स के भी ऑफर ऑलरेडी मिले हैं, और इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को IT सॉफ्टवेयर के जायंट्स ने ऑलरेडी हायर भी कर लिया है। गाइज, ये सब स्क्रीनशॉट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिसेंटली प्लेस्ड स्टूडेंट्स है, ये फर्स्ट बैच वाले स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। तो बस आपको इस कोर्स की स्मार्टली स्टडी करनी है और डेली आपको बस 1.5 से 2 घंटा इस कोर्स के लिए देना है। आप चाहे कहीं भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो या फिर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्स में ऑलरेडी एडमिशन लिया है तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में एक बढ़िया सॉफ्टवेयर IT इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन आपको एक क्वालिटी का कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आप लोग के लिए आ जाता है। इस कोर्स में आप एडमिशन लीजिए और अपना फ्यूचर 101% सक्सेसफुल बनाइए। सो गाइज, अगर आपको इस कोर्स रिलेटेड और कुछ जानना है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके हर कमेंट का 101% आंसर जरूर देते हैं। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Have a great day, have a great time, and thanks for watching, guys.